ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। बहुत अच्छा माहौल है, बढ़िया जन समर्थन मिल रहा है, क्योंकि अब तक जिनको लोगों ने वोट दिया वो चुनाव के बाद कभी इनको ढूंढने नहीं मिले। और चंद्रशेखर एक ऐसा व्यक्ति है जो बिना बुलाए सबकी मदद करने के लिए पहुंचता है। नगीना के लोगों को, रहने वाले नगीना के व्यक्ति को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपना आशीर्वाद दिया है। नगीना कॉन्स्टिट्यूएंसी से भारी मतों से इंडिया गठबंधन की जीत हो रही है और नगीना कॉन्स्टिट्यूएंसी के आसपास ही नहीं पूरे भारत में भाजपा का सफाया हो रहा है। पश्चिम यूपी की नगीना सीट को चंद्रशेखर आजाद ने इस बार हॉट बना दिया है, क्योंकि वो अपनी केतली लेकर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। केतली में वोट भी मांग रहे हैं और केतली में सहयोग यानी कि आर्थिक सहयोग भी मांग रहे हैं। और दावा ना सिर्फ लोकसभा की सीट पर है, दावा मायावती की लेगेसी पर भी है। दूसरी ओर बसपा है, वो भी पूरी तैयारी के साथ है, क्योंकि आकाश आनंद ने जो अपनी राजनीतिक रैली उत्तर प्रदेश में की वो नगीना में की और उन्होंने सीधा चैलेंज किया चंद्रशेखर आजाद को। दूसरी तरफ बीजेपी बात कर रही है लोकल फॉर वोकल की और चंद्रशेखर आजाद को यहाँ झटका तो दिया है अखिलेश यादव ने भी, क्योंकि उन्होंने अपने प्रत्याशी मनोज कुमार को मैदान में उतार दिया है। बहुजन समाजवादी पार्टी से सुरेंद्र कुमार मैनवाल यहाँ प्रत्याशी हैं और आजाद समाजवादी पार्टी से चंद्रशेखर हैं जो भीम आर्मी के चीफ भी हैं, आजाद समाजवादी पार्टी से के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी से यहाँ मनोज कुमार एक जज हैं जो बीआरएस ले लिया उन्होंने, और भाजपा से बात करें तो विधायक हैं जो नेटवर्क से विधायक हैं वर्तमान ओम कुमार जी, वो चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे अगर हम नगीना सीट की बात करें तो यहाँ दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन यानी कि MD काम करता है। एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर मुसलमानों और दलितों की संख्या मिलाकर 10 लाख है, यानी कि वोटर 10 लाख है। ऐसे में चुनाव को बहुत प्रभावित करते हैं। हालांकि सीट सुरक्षित है, ऐसे में सभी पार्टियां दलित समुदाय से अपना प्रत्याशी देती हैं और ऐसे में कई बार वोट बढ़ जाता है, यानी कि दलित वोट बढ़ जाता है तो अन्य जातियों के साथ जो वोट मिलकर एक कॉम्बिनेशन बनता है वो MD कॉम्बिनेशन को तोड़ भी देता है। और इस बार चंद्रशेखर आजाद कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पीछे भी देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जब से सीट सामने आई है यहाँ ऐसे समीकरण बैठे कि हर बार अलग अलग पार्टी यहाँ से चुनाव जीती है। अगर हम बात करें 2009 की तो यहाँ से यशवीर सिंह जो कि सपा से चुनाव जीते थे, इस बार भी उनको टिकट मिला था लेकिन उनका टिकट काट दिया गया। वहीं 2014 में बीजेपी के यशवंत सिंह जीते थे और 2019 में बसपा से गिरीश चंद्र यहाँ से चुनाव जीते थे। फिलहाल इस सीट पर चंद्रशेखर आजाद ने माहौल बनाया हुआ है। स्थानीय पत्रकार बता रहे हैं कि आखिर ये माहौल कितना टाइट है। देखिए, चंद्रशेखर के आने से पूरी तरह सीट के समीकरण बदल गए हैं। पहले पिछली बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें बसपा विजयी हुई थी और ये माना जा रहा था कि इस बार अगर चंद्रशेखर नहीं आते तो कहीं ना कहीं मतदान जो है वो भाजपा के पक्ष में जाता। इस बार आकर के चंद्रशेखर जो आ गए हैं उसने समीकरण गड़बड़ा दिए हैं और जिस तरह से धीरे धीरे मुस्लिम मतदाताओं का रुझान हो रहा है तो ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उनके पक्ष में भी जनादेश जा सकता है। भाजपा के ओम कुमार जी और मनोज कुमार के बीच ये चुनाव आखिरी क्षण में निर्धारित हो जाएगा। स्थानीय पत्रकारों की माने तो चंद्रशेखर आजाद ने सीट पर माहौल तो बदल दिया है लेकिन पेच अभी भी फंसा हुआ है। शायद कुछ समुदाय को अभी ये निर्णय लेना है कि चंद्रशेखर आजाद के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे और बसपा क्या कमाल करती है इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल स्टोरी बिजनौर से हमारे सहयोगी संजीव शर्मा ने भेजी थी, प्रस्तुत किया हमारे रजत ने और कैमरे के पीछे दीक्षा। देखते रहिए अभी तक, नमस्कार।